2002 के पहले इनके फ्लाइटिस के मरीज मरा करते थे। इलाज की व्यवस्था नहीं थी, कोई टीकाकरण नहीं होता था, मरीजों को इलाज की कोई सुविधाएं नहीं मिलती थी, विकलांग मरीजों को किसी प्रकार की देखरेख नहीं होती थी। आज मेडिकल कॉलेज में फंड्स की व्यवस्था है, आज टीकाकरण हो रहा है, आज 500 बेड का मेडिकल कॉलेज का बच्चों का अस्पताल चल रहा है, आज मेडिकल कॉलेज के अपग्रेडेशन के लिए 150 करोड़ रुपये अलग से व्यवस्था की जा चुकी है। और सबसे बड़ी सफलता, आज हम लोगों के पास कम से कम इस बात की गारंटी है कि हमारे को उत्तर प्रदेश को गोरखपुर को गोरखपुर के अंदर एक दूसरा एम्स मिलने जा रहा है। ट्रैफिक के लिए बहुत स्लो वर्क होता है, बहुत वहाँ के जो ट्रैफिक पुलिस है वो सही से वर्क नहीं करते। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी, और कभी भी लाइट चली जाती है, एक रेगुलेशन नहीं है, रूल्स और रेगुलेशन नहीं है कि कब जानी चाहिए कब नहीं जानी चाहिए। MLA एक चीज़ तो मैं कहूँगा, सक्रिय रहते हैं, निर्विवाद हैं, आज तक कोई आरोप नहीं लगा उनके ऊपर, और डेवलपमेंट के मामले में भी काफ़ी दिखता है। गोरखपुर शहर की गलियां पहले के मुकाबले अब बेहतर दिखती हैं, जल निकासी का भी है। इंसेफ्लाइटिस चूँकि एक ऐसी समस्या है जिसमें केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों काम कर रही है। अब मैं तो ये नहीं समझता कि बहुत सकारात्मक रुख है, कुछ चीज़ों को तो सुनवाई करते हैं, जैसे सड़क उड़क नहीं बना या नाली नहीं बना तो उसके बारे में जाते हैं, मतलब उनकी एक्सेसिबिलिटी है, लोगों की पहुंच है उनके प्रति, लेकिन मैं नहीं देख रहा कि बहुत अच्छा सुधार हुआ है।